नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर बल्दीराय तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चक शिवपुर में सुप्रसिद्ध मेला दाता करीम शाह धुनी हनुमान मंदिर के पुजारी की कुटिया में बीते 3 दिन पहले की रात लगभग 12:45 पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। तभी मोहल्ले के लोगों को पता चलने पर आनंद फानंद में आग पर काबू पाने के लिए दौड़ पड़े। तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। देखते ही देखते चंद समय में कुटिया व कुटिया के अंदर का सामान जैसे कि 60 किलो गेहूं, 1 चारपाई, 1 तखत, 1 बेंच, रजाई गद्दा, पुजारी के गर्म कपड़े व धार्मिक पुस्तक सहित आदि जलकर राख हो गया। पुजारी ने तत्काल 112 डायल कर सूचना दी। सूचना पर पहुंचे 112 मौका देखकर थाने पर तहरीर देने की बात कहकर चले गए। सुबह होते ही पुजारी ने हल्का लेखपाल अमित कुमार यादव को घटना से अवगत कराया। हल्का लेखपाल मामले को संज्ञान में लेते हुए घटनास्थल पर आकर जायजा लेते हुए शासन की तरफ से राहत राशि दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुजारी इस घटना से आहत है। वहीं पुलिस प्रशासन तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस घटना को लेकर क्षेत्रवासियों ने घोर निंदा की है। पुजारी भविष्य के लिए डरे एवं सहमे हुए हैं। राजदेव यादव की रिपोर्ट। हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा, ये क्या समस्या है? कल की रात को करीब 12:44 हमारे पास फोन गया, किसी अज्ञात आदमी ने आग लगा दी थी। हमारा सब सामान जल के राख हो गया, जिसमें नुकसान हुआ है हमारा। रजाई हमारा जल गया, गद्दा जल गया, कंबल जल गया और गर्म कपड़े यहाँ रखे थे ठंडी के, वो भी जल गए। 50 किलो करीब 60 किलो करीब कनक थी वो जल गई। 25 किलो चावल था वो जल गया। बाकी और सामान तो जहाँ हमारी किताबें रखी थी धार्मिक, वो जल के राख हो गई। तखत भी है, इसमें तखत भी है, बेंच भी है दो। अच्छा, हाँ जी। तो इसकी मतलब जब वहाँ रात में आपको सूचना मिली, यहाँ आप लोग आए, तो किसी को सूचना दी आपने, किसी प्रशासनिक अधिकारी? मैंने 112 नंबर डायल किया था, वो मौके पर आए थे। उन्हें अपना जो कुछ ज्यादा करना था, उन्हें अपना कार्यक्रम किया जो करना था। लेखपाल को सूचना नहीं? लेखपाल को सूचना दी, उन्होंने फोन उठाया नहीं। अच्छा, फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, तो अभी तक कोई देखने नहीं है? नहीं, कोई नहीं है देखने। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे साथ जो नुकसान हुआ है उसका कुछ भरपाई हो जाए, तो हम गरीब आदमी कुछ भला हो जाए। हाँ, पुजारी आदमी कुछ आपको सरकार की तरफ से राहत मिलेगी, मिल जाए तो आपकी कुटिया दोबारा जो है बन जाए, बन सके। ठीक ठीक है। और ये जो मतलब इसे आग का लगने का कोई पता नहीं चल रहा है? नहीं जी, इसका कुछ पता नहीं चला। ये हमारे पास फोन गया था 12:44 पर। अच्छा, मैं समय 1 बजे पहुँच गया था, जबकि सारा जल के राख हो गया था। अच्छा, आपके पहुँचने पर सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी, 1 बजे में पहुँच गया था। जी जी जी। तो कहीं इसकी मतलब अप्लीकेशन वगैरह कहीं दिए हैं कि नहीं दिए? थाने में दे रखा। मतलब अज्ञात के नाम की? अज्ञात के नाम। अज्ञात। ठीक, धन्यवाद। ठीक ठीक, ओके। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।